Is there any mistake in Finance Bill 2024? YouTube है। और हो सकता है कि कुछ दिनों में YouTube में आपको और भी बहुत सारे फैकल्टीज और यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे रिबेट अंडर सेक्शन एटी कैपिटल ए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आईटी पोर्टल में जो इश्यू चल रहा है फॉर द आईटीआर रिटर्न्स जो कि इस साल आप फाइल कर रहे हो फॉर द असेसमेंट ईयर मैं उसका बात बात नहीं कर रहा हूं। मैं का बात कर रहा रहा हूं हूं बजट बजट का कि 2024 में जो न्यू स्लैब रेट में चेंजेस आया है जिसके वजह से अब जो टैक्स लाइबिलिटी है उन टैक्स पेयर्स पे जिनकी टोटल इनकम अप टू सेवन लैख है वो अब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है बट अगर टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है तो कोरिस्पोंडिंग चेंज रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए में भी आना चाहिए था बट सरप्राइजिंगली जब मैं मेमोरेंडम और फाइनेंस बिल के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया आई डिड नॉट फाइंड एनी अमेंडमेंट इन सेक्शन 87 कैपिटल ए अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मिस्टेक ही है फाइनेंस बिल में आई एम डाउटिंग हो सकता है कि जो पॉसिबल सिचुएशन मैं आपके सामने रखूंगा

कि बिल में हो सकता है जो मिस आउट हो जाएगा वो एक्ट में गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट कर देगी वेल्प एट डिस्कशन करना जरूरी है. एक अ रेसिडेंट इंडिविजुअल अब इसमें रिबेट अंडर 87 सेवन ए जो है ओल्ड टैक्स रेजीम में इसके प्रोविजन अलग है और न्यू टैक्स रेजीम में इसके प्रोविजन अलग है ओल्ड टैक्स रेजीम में इसके प्रोविजन क्या है सबसे पहले कि इसकी लिमिट है? 5 अगर कोई टोटल इनकम फाइव लैख से ज्यादा कमा रहा है तो उसको रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए फ्रॉम टैक्स नहीं मिलेगा तो अगर आपकी अगर आपकी टोटल इनकम इज अपू फाइव लैख रुपीज तो यू आर एलिजिबल टू अ रिबेट

सोचो ये अदर इनकम इनकम है है आपकी नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा आप इस टैक्स अगर निकालते हो तो टो नेक्स्ट टू लाख फिफ्टी पे आपका फाइव परसेंट टैक्स बनेगा विच इज था अगर आपकी फाइव लाख ,00 की इनकम होती है तो नॉर्मल इनकम के हिसाब से अगर 5 लाख की इनकम होती है तो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है एग्जैक्टली 12500 इसलिए गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रेजिम में 87ए में अपने को रिबेट मैक्सिमम 12500 दिया और उसके बाद अपना जो टैक्स बनता है वो आता है जीरो एक बार मैं आपको बता देता हूं बहुत लोगों को ना एक बेसिक कंफ्यूजन होता है ये जो 2.5 लाख है ना ये है बेसिक एग्जemption लिमिट प्लीज ये मत सोचना कि 5 लाख अपना बेसिक एग्जemption लिमिट है

फिक्स किया था ओल्ड टैक्स रेजीम में तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको पता चल गया फाइव लाख का टैक्स निकाला फाइव परसेंट ऑन टू लाख फिफ्टी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपना टैक्स आ गया अब अपने यही बेसिस अपने देखते हैं न्यू टैक्स रेजीम में कितना वर्क किया अब न्यू टैक्स रेजीम में अगर अपने बात करें तो न्यू टैक्स रेजीम में एटी ए का रिबेट मिलता है इफ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड सेवन लाख रुपीज हाँ कुछ एक सिचुएशन में है कि अगर आपकी टोटल इनकम सेवन लाख से ज्यादा भी है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये मेरे बजट से कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है इफ माई टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड सेवन लैख मतलब जो आपकी थ्रेश लिमिट ओल्ड टैक्स रेजी में फाइव लाख की थी अब वो कितनी की हो गई है सेवन लाख की हो गई है तो सेवन लाख ,00 का अगर आपका न्यू टैक्स में लिमिट थ्रेशम में रखा तो 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 ,00 और ये मैक्सिमम लिमिट जो है अगेन हंड्रेड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और ट्वेंटी फाइव एवर इज एवरेज लोअर पच्चीस हजार से ज्यादा आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रेजी में जाते हो अब सेम बेसिस पे अपनाई करो कि सर सेवन लाख के ऊपर अगर न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनता है मैं अभी डिस्कस करता हूं क्योंकि आप सबको पता है आपने मेरा शायद वीडियो भी देख लिया नहीं देखा तो प्लीज यूट्यूब चैनल में दे, जाके देख लेना अगर सेवन लाख तक की हमारी टोटल इनकम है अगर लाख की हमारी टोटल इनकम है, तो बजट बजट से पहले, यानी कल का जो आया, उसके आप इसी टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हो और इसी स्लैब को फॉलो कर रहे हो क्योंकि कल का जो बजट आया वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा तो मैं आपको बताता हूं ये ट्वेंटी का लिमिट आप कैसा है आप लाख exactly का इनकम कैलकुलेट करो सेवन लाख का इनकम में टैक्स कैलकुलेट करो अप टू थ्री लाख कितना होगा निल। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सिक्स लाख टू नाइन लाख ठीक है यहाँ पे हमें सात लाख तक के इनकम पे टैक्स करना तो सिक्स लाख टू सेवन लाख हम करेंगे तो टोटल तो आपका बारह हजार ट्वेल्व थाउजेंड 12,000, 12,500 भी ऐसे ही आया और 25,000 थाउजेंड भी आपका ऐसे ही आया तो अब ये 25,000 जो है आप यहाँ रिबेट रिड्यूस कर लोगे 100% और मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और आपकी टैक्स लाइबिलिटी अल्टीमेटली हो जाती है जीरो एकदम क्लियर है कल के बजट के पहले तक यह था ओल्ड टैक्स रजीम में जैसा था न्यू चेंज हो गया आपको स्लैब रेट चेंज हो गया है तो अभी जो सेवन लाख का टैक्स आएगा वो ट्वेंटी नहीं आएगा वो कितना आएगा देखो कल के बजट के हिसाब से अगर कोई सेवन लाख इनकम कमा रहा है न्यू टैक्स रजीम में

मेरा अदर इनकम मान लो फाइव लाख का मान लो इंटरेस्ट इनकम ये सब मेरा फाइव लाख का है मान लो कोई भी रेंटल इनकम वट मेरा फाइव लाख का है मान लो इंटरेस्ट हो गया रेंटल इनकम हो गया वट बिजनेस इनकम हो गया बट मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि ट्रिपल वन में टैक्सेबल है यानी जो मैं कैपिटल गेन कमाता हूं ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो ट्रिपल में टैक्सेबल है मान लो वो टू लाख का गेन है और मेरी टोटल इनकम आ रही है सेवन लाख रुपीज ध्यान देना मेरी टोटल इनकम आ रही है सेवन लाख रुपीज तो यहाँ पे भी सेवन लाख रुपीज है यहाँ पे भी सेवन लाख रुपीज है फर्क है ये पूरा अदर इनकम है तो यहाँ पे मेरी टैक्स स्लैब रेट पे लगी मेरे का मेरा ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा टैक्स आया नहीं रिबेट मैंने पूरा क्लेम कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं ऐसा सिचुएशन देख रहा हूं कि सेवन लाख का मेरा टोटल इनकम भी है और मेरा टैक्स लायबिलिटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ रहा है ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है क्योंकि तभी आपका जो रिबेट है वो वहां पर जाके आप जो है क्लेम करेंगे ठीक है तभी आपका जो रिबेट है आप वहां पे जाके क्या है क्लेम करेंगे ठीक है ना तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस अब आप देखिए कि यहां पर अपना

फाइव so और टू लाख पे ट्वेंटी परसेंट है एस टी सी जी तो फोर्टी प्लस टेन क्या हो गया 50. तो इस में आप पूरा रिबेट क्लेम कर सकते हो एटी सेवन ए में ट्वेंटी करेंटली अभी जो आई टी पोर्टल में इशू चल रहा है एज यू ऑल नो मैंने इसके ऊपर इनकम टैक्स रेट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट रिबेट अलाउ नहीं, नहीं कर रहा है न्यू रेजिम में गवर्नमेंट रिबेट अलाउ नहीं कर रहा है न्यू रेजिम में बट अगर मैं मैं ऐसे मैं देखो मैं ऐसे बात मैं ऐसे ही अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ अगर ऐसा पॉसिबल सिनेरियो सरकार अगर सोच के रखी है तो ही आपके सेवन लाख तक के इनकम पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या उससे ज्यादा टैक्स आ सकता है बट ये तो एग्जैक्टली अगेंस्ट दईटी पोर्टल इश्यू जो भी चल रहा है वो है तो क्या है वी नीड टू वेट अपने कुछ सोच नहीं सकते देर हैज टू बी ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडी टी यहाँ पे रिबेट लिया जाएगा फ्रॉम एस टी सी जी टैक्स यूटिलाईजेशन होगा वर्णा हो सकता है कि गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट में हो सकता है एटी सेवन ए का रिबेट लिमिट कम कर दे न्यू टैक्स रिजीव में तो वी नीड टू वेट आई जस्ट थॉट की आपके लोग के सामने व्यू देखो प्लीज आप लोग भी कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना की क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ क्या मैंने कुछ मिस आउट किया

छूट गया या एक्ट में में कुछ आएगा, ये करिएगा भी लीजिएगा बाकी लोग से और ज़रूर करना चैनल इफ यू नॉट डन क्योंकि इसी तरह का अपडेट्स बजट से रिलेटेड हर एक टॉपिक का टी डी एस कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बाई कुछ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप टेंशन मत लीजिए एवरी थिंग विल बी डिस्कस्ट एंड इट विल बी पोस्टेड माई यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ठीक है तो आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी वीडियो देखना है तो आप फटाक से देख सकते हैं इजिली कोई दिक्कत नहीं है सर थैंक यू सो मच टेकेयर गॉड ब्लेस यू एंड सब्ब्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फोलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट एनी फर्दर अपडेट्स फॉम माई साइड थैंक यू सो मच टेक केयर